आज मैं अपने घर में जो डोम बना रहा था, जो कार्य पहले मैंने बताया था करने वाला हूँ, उसके बारे में मैं विवरण करने जा रहा हूँ। यह डोम बिना छड़ के और बिना सेटरिंग के निर्माण किया गया है। इसके लिए मैं एक सूत्र का जुगाड़ किया था, जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं। यह दोनों तरफ से मूवेबल है। इस सूत्र को मैं डोम के सेंटर चारों तरफ से बीच में इसे लगा दिया था और इसी को ही फेस बनाकर इसे मैं ईंट से जुड़ाई करवाते गया। धीरे धीरे यह सूत्र ऊपर उठते जाता था तो ऑटोमेटिक ईंट भी तिरछा होते जाता है। और बनाने के पूर्व थोड़ा सा यह कार्य थोड़ा सा आश्चर्यचकित लग रहा था, किंतु जब कार्य करना प्रारंभ किया तो इसमें कोई किसी प्रकार की मुझे परेशानी नहीं हुई। इस कार्य के लिए मैंने चूने का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियो देखे या जहाँ से भी मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो इस कार्य के लिए चूने की जुड़ाई उपयुक्त नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया। इसलिए मैंने इसमें सीमेंट का ही मोटर यूज़ किया है। सीमेंट के मोटर को मैंने धीरे धीरे, जैसे जैसे इसका कर्व बढ़ते गया तो मैं उसे थोड़ा मसाला को कड़ा रूप देते गया। और एक प्रकार से देखा जाए तो इस वीडियो में बताने लायक कुछ विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर इस तरह का अगर डोम बनाना चाहते हैं जो कि बिना सरिया के बिना सेटरिंग के बने, तो एक आपके लिए उपयोगी हो सकता है। क्योंकि कुछ समय के बाद थोड़ा सा एक असमंजस होने लगता है कि अब ईंट कैसे पकड़ेगा, ईंट कैसे चिपकेगा, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीमेंट को थोड़ा आप कड़ा कर दीजिए, थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो ईंट चिपक जाता है, कोई विशेष परेशानी नहीं है। आपका सूत्र का बस विशेष ध्यान रखें, उसका फेस बराबर मिलना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। सूत्र में आप धागा भी रख सकते हैं, लेकिन धागा में कभी कभी वो कभी छोटा बड़ा हो जाए, इन द सेंस कहीं तिरछा उरछा ना हो, इसका भी ध्यान रखें। इसलिए मैंने एक लकड़ी ले लिया था और बीच में उसका आपको जैसे बताया था एक जुगाड़ टाइप का, जो हिंदुस्तान में अमूमन सभी जगह मिल जाता है, वो जुगाड़ का उपयोग किया है। आप भी इस तरह का जुगाड़ का उपयोग कर सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए मेरे मिस्त्री को ऊपर का भाग, डोम के ऊपरी भाग को करने के लिए 2.5 दिन का समय लगा। और इसकी साइज 8 फीट है, 8x8 का एक परिधि में बना है ये। आठ बाई आठ है इन द सेंस अंदर का भाग 8 फुट है। मैं पहले इसे चूने के मोटार में ही करने का सोच रहा था, लेकिन अनायास मैं इसके लिए रिस्क उठाना उपयुक्त नहीं समझा, क्योंकि चूने के मोटार में कुछ कमियां तो हैं कि सीमेंट जैसा यह बहुत जल्दी अति शीघ्र सख्त नहीं होता, उसको सख्त होने में बहुत समय लगता है। अगर चूने के मोटार में अगर इस तरह का डोम बनाया जाए तो उसके लिए सेटरिंग आवश्यक हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अब मुझे सेटरिंग नहीं करना था, इसलिए इसे मैंने सीमेंट के मोटार से इसका निर्माण कराया। आप देख रहे हैं अभी ईंट जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा है तो तिरछा होते जा रहा है इसका। इसी प्रकार ये हर इसमें ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाते हैं तो ईंट तिरछा होते जाता है, और वैसा ही आपको रखते जाना है। और ईंट रखने के बाद थोड़ा हथौड़ी से थोड़ा सा उसे हल्का सा प्रेस अच्छे से ठोक दें, ताकि
जैसे टाइल्स अपन लगाते हैं तो टाइल्स लगाते हैं तो मसाला लगाने के बाद उसे थोड़ा सा ठोक दिया जाता है, वैसे ही इसको सभी ईंट को ठोक ठोक के लगाना पड़ेगा आपको। बाकी कोई विशेष इसमें क्या कहना चाहिए, रॉकेट साइंस नहीं है इस कार्य को करने के लिए, आप भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ दोस्त, और ना ही मेरा भवन निर्माण के लिए निर्माण का इतना मेरा अनुभव है, बस यही गूगल यूट्यूब ये सब में कुछ दोस्त यारों से कुछ बड़े लोगों से पूछ के सीख के बस ये कार्य कर रहा हूँ। बस एक लगन होनी चाहिए, आप भी यह कार्य करवा सकते हैं। मेरा एक मिस्त्री भी कोई एक्सपर्ट मिस्त्री नहीं था, कभी इसने चूने का कभी कार्य नहीं किया था, जिसके लिए जितना भी कार्य कर रहा है सब इसके लिए एक नया अनुभव ही है, ये सीखते ही जा रहा है। बस ये है कि इसमें भी एक लगन है सीखने का, आप देख सकते हैं फिर ईंट तिरछा होते जा रहा है और अंदर की तरफ बढ़ते जा रहा है। इसे मैं अपने घर के जो मेडिटेशन हॉल बना रहा हूँ, मेडिटेशन रूम या पूजा रूम, उस जगह का स्थान है यह। मेरे लिए यह भी एक, जब नहीं बना था तब तक मेरे लिए बड़ा टास्क लग रहा था, निर्माण हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बन पाएगा नहीं बन पाएगा, लेकिन करने के बाद बहुत ही आसान लगा, कोई इसमें विशेष कारीगरी की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी समझ बस, ज़्यादा कुछ नहीं। आप किसी भी से करवा सकते हैं, आपके कोई भी मिस्त्री इसे कर सकता है। इसे करने के पहले मैंने डोम के बहुत सारे वीडियो देखे थे, बारीक बारीक इसका अध्ययन किया था, तो मुझे समझ में आ गया था कि कर किया जा सकता है, और मैंने रिस्क एक जोखिम उठाया था, वह निर्णय आपके सामने ही है, एक सकारात्मक निर्णय आ गया जिसकी मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे घर के चिनाई के कार्य में यही कार्य को मैंने छोड़ के रखा था, बाकी सभी कार्य संपन्न हो चुका था। यह कार्य मुझे थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा ज़्यादा गंभीर लगा था, इसलिए इसे बचा के रखा हुआ था, सबसे अंत में इसे ही कार्य करवाऊंगा करके, और यह कार्य भी ऊपर वाले की कृपा से पूर्ण हो गया है। आप सभी के आशीर्वाद शुभकामनाएं का फल है यह, जिसका यह निर्णय निर्माण कार्य पूरा होते जा रहा है। आप ये देख सकते हैं सूत्र किस तरह से ऐसे फेस मिला मिला कर इसको चलना है, इसमें किसी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। पहले इस तरह के डोम अमूमन बहुत जगह बनता था, पगोड़ा भी इसी तरह निर्माण किया जाता रहा है, लेकिन आजकल इस सीमेंट छड़ सेटरिंग ये सब चीज़ आ गया, तो ये इस तरह के निर्माण में लोग अपना वक्त जाया नहीं करते। हालांकि यह उससे कहीं ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप सेटरिंग करेंगे वगैरह वगैरह, तो इसमें तो उतना कुछ विशेष नहीं लगता। और ये कार्य पूर्ण होने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, आप अपने
घर में किसी भी जगह पर इस तरह का निर्माण करवा सकते हैं। एक आकर्षक भी लग रहा है और एक कारीगर की कार्य कुशलता को भी दर्शाता है, आपकी सोच को भी दर्शाता है यह कि बिना छड़ के बिना सेटरिंग के आपने इस तरह से निर्माण किया है, वो एक देखने का विषय हो जाता है। आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना देखा सराहा, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इससे मेरा बहुत मनोबल बढ़ा है आप लोगों के प्यार की वजह से, और इसी वजह से मैंने ये यूट्यूब में फ़ोटो वीडियो अपलोड करता रहा हूँ और जो अनुभव मुझे मिला है उसे साझा कर रहा हूँ। जो मुझे आप लोग कभी इस तरह के निर्माण कार्य कराएं तो आप लोगों को शायद कुछ इससे लाभ मिल जाए, कुछ मेरे इस अनुभव से आप लोग कुछ सहायक हो जाए, इसके लिए इसलिए यह सब वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि मैं भी किन्हीं का वीडियो ही देखकर मैंने सीखा है, किसी की जानकारी मुझे कोई इस तरह का अनुभव तो था नहीं, ना निर्माण का अनुभव था, ना ही मैं कोई इस तरह का कोर्स किया हूँ, बस ऐसे ही देख देख के सीख के वीडियो से, गूगल सर्च से। इसके लिए यूट्यूब और गूगल का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतना निर्माण कार्य इतना जोखिम भरा कार्य सफलतापूर्वक कर किया हूँ उसके लिए। और कुछ में से मेरे विशेष दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बीच बीच पर सलाह दिया, उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद है उनको। उन लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया, मेरा मार्गदर्शन किया। आप बहुत ही आसानी से इस तरह का डोम का निर्माण करवा सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार की कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, और काफ़ी मजबूत बनता है यह, क्योंकि इस ग्रेविटी सिस्टम पर आधारित है तो इसमें ईंट नीचे जाने का सवाल ही नहीं उठता, ईंट कभी भी नहीं जाएगा नीचे। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहें, आप लोग को और अलग अलग जानकारी मैं देता रहूँगा, अपने अनुभव शेयर करता रहूँगा। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।